दंतेवाड़ा में कर्मचारी कल्याण संघ ने कोरोना वॉरियर्स सम्मान कार्यक्रम का आयोजित किया, जहां कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बता दें कि यह सम्मान पत्र जिले में 65 कोरोना वॉरियर्स को दिया गया। इस दौरान अध्यक्ष रिंकी सोनी ने कोरोना वॉरियर्स की सराहना की। इस मौके पर जिला अस्पताल के प्रबंधक और सिविल सर्जन संजय बघेल, जिला परिचारिका कल्याण संघ की अध्यक्ष रिंकू सोनी समेत कई लोग मौजूद थे। हैं कि हम वैश्विक महामारी से जुड़ रहे हैं और इस वैश्विक महामारी में हमारी कोई भी नर्सेस घर में नहीं रहे हैं, अपने परिवार के साथ नहीं रहे हैं, वो निकल करके अपना काम को किए हैं, जिसके लिए हम लोग परिचारिका संघ के द्वारा उनको कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित कर रहे हैं। पर हमारे भाई भी हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ मेल नर्स भी हैं और फीमेल नर्स भी हैं जो कि अंदरूनी इलाके में जाते हैं और अपने कर्तव्यों को करते हैं। हो सकता है बहुत सारी जगह पे तो ऐसा है कि बिना पीपीई किट के भी काम किए, बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के भी वे अपने घर से निकले, अपने परिवार को छोड़ करके सभी कठिन परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाए। मैंने छत्तीसगढ़ में परिचारिका कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, स्टाफ नर्सेस, जो कोरोना काल में जो वैश्विक महामारी हुई, इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट सेवा प्रदान किया है। जैसा कि आपको ही पता होना चाहिए कि इन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर कठिन समय में ड्यूटी किया है, 14 दिन क्वारंटाइन और घर बिना घर जाए जो मरीजों कोविड के मरीजों को सेवा प्रदान किया है, उनके सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है परिचारिका कर्मचारी संघ के द्वारा। ये उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, आगे भी ऐसे किसी प्रकार की कुछ महामारी की तो हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे, एक मैसेज जाता है जो एक जन सामान्य के लिए बहुत ही एक मोटिवेटेड चीज़ें हैं। हमको हमेशा प्रिपेयर रहना है, एक मैसेज गया है, तो बहुत ही अच्छा कार्य किया हुआ है, तो उसी संबंध में हमने उन्हें सम्मानित किया है कोरोना वॉरियर्स को। ये फर्स्ट इसके फेज के बाद में एक आम जनों के लिए भी, जन सामान्य के लिए भी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला जाएगा, तो एक मैसेज होना चाहिए कि इस वैक्सीन को लगाना ही है, भ्रांतियाँ से बचे और किसी प्रकार